तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको लिए चलता हूँ गोवा। तो हम लोगों ने 2 दिन का प्लान किया है गोवा जाने के लिए। तो इन 2 दिनों में क्या क्या हम लोगों ने गोवा में एक्सप्लोर किया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वसई रोड रेलवे स्टेशन मुंबई से लगभग 9:30 के आसपास पे, और मॉर्निंग पे मैं मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंच गया था 8:00 पे। सो फाइनली मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने बुक किया बाइक और आधे घंटे में मैं पहुंच गया पंजिम। और फाइनली हम लोगों ने स्कूटी हायर किया और निकल चले हम लोग नॉर्थ गोवा की ओर, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन हम लोग वहीं रहने वाले हैं। तो हर जगह पे कैसीनो ही कैसीनो दिख रहे हैं। भाई गोवा में आ चुकी है बारिश, फंस चुके हैं, तो हम लोगों ने पहन लिया रेनकोट। तो फाइनली हम लोग निकल गए होटल की ओर। तो आज हम लोगों ने डिनर किया द गॉन रूम रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया प्रॉन्स करी, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस है गोवा में। तो गाइस हम लोगों ने रूम ले रखा है यहाँ पे, तो ये बागा बीच के जस्ट पास में ही है, लगभग 300 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ होटल। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं दोनापोला बीच की ओर, जो कि बागा बीच से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ से हम लोगों को 1 आवर लगने वाला है। तो फाइनली गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल गए दोनापोला बीच की ओर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने लंच किया सी पैपल पे, जो कि यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के सामने क्या अमेजिंग व्यू है। तो सामने ही जो दिख रहा है वही है दोनापोला एरिया, तो वहाँ पे अभी हम लोग आफ्टर लंच के बाद जाने वाले हैं। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं दोनापोला की ओर, और यहाँ पे टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट लेते हैं और उसके बाद एंट्री करते हैं। हाय गाइस, ये गोवा का एक बहुत बड़ा मशहूर जगह है, आप देख सकते हैं जैसे कि ये दोनापोला लेक है। सो यहाँ पे इट्स अ ट्रू स्टोरी बिहाइंड दिस प्लेस दैट दिस टू लवर्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ एंड दे आर लविंग टू ईच अदर वेरी मच। सो इट्स अ फेमस प्लेस इन गोवा, यू कैन विजिट हियर। Enjoy your time. Thank you so much. और हम लोग गए इसके सबसे पीक पॉइंट पे, और वहाँ पे क्या मस्त हवा चल रही थी, मज़ा ही आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो शूट किया और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। Hi guys, to continue this, हम लोग डोलापोना पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग देखो इट्स अ पीक पॉइंट, सो यू गाइज कैन कम एंड take pictures, selfies, anything you want. It's a view total 360 degrees, you can see all the lake here. हवा इतना तेज आ रहा ना, बहुत ज़्यादा, मेरा तो गला खराब हो रहा है, इस वजह से मैं बोल नहीं रहा। भाई अचानक ही आ गई बारिश। अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं रूम पे जाने का, वैसे ही जुकाम बहुत, और हर 5 मिनट में बहुत बारिश होता है, तो उसकी वजह से पूरा घूम भी नहीं पा रहे अच्छे से। तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से अब हम लोग निकल चुके हैं सीधे ही होटल की ओर, तो देखते हैं वहाँ पे और क्या कर सकते हैं। रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग जा रहे हैं बागा बीच। तो दिन में हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया इतना जाने का। तो बागा बीच में भी बारिश होने की वजह से अब हम लोग निकल चुके हैं सोने के लिए होटल पे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे पे।
तो फाइनली हम लोग गाड़ी पार्क करने के बाद निकल गए एरम्बोल बीच की ओर। और यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे तो क्राउड था ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। अब हम निकल चुके हैं सीधे ही होटल की ओर और वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं बागा बीच। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच, जो कि हमारे यहाँ से लगभग 300 मीटर की डिस्टेंस पे ही है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चिल करते हैं। भाई क्या क्राउड है, आज तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। भाई अभी जो जगह बैठे ना, ये है जगह मस्त, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो फाइनली बागा बीच से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं होटल और वहां से सीधे जाएंगे हम लोग डिनर करने के लिए और फिर रात को 12-1 बजे हम लोग निकलने वाले हैं मुंबई की ओर। तो क्रैब नहीं खा रहा, फिश मंगाया मैंने अपने लिए अमृतसर। ये हम लोग क्रैब खा रहे हैं, तो मेजरली ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा आपको इधर, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको ऐसा छिलका निकाल के, उसका बीच का जो अंदर का वाइट वाला पोर्शन है बहुत नरम रहता है, उसको ऐसे खाने का। गुड। तो फाइनली हम लोग डिनर करने के बाद निकलने वाले हैं सीधे ही मुंबई की ओर। तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।